देश के किसी भी कोने में जब चुनाव आते हैं तो सबसे ज्यादा याद आता है देश का किसान, लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं तो ये राजनीतिक पार्टियां किसानों को भूल जाती हैं, न ये किसानों की सुध लेती हैं और न ही किसानों के सामने आ रही समस्याओं को लेकर इन्हें कोई चिंता है। लेकिन राजस्थान की एक ऐसी विधायक है जिसने अब किसानों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाया, और ये विधायक है बयाना की निर्दलीय विधायक डॉक्टर रितु बानावत। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस कड़ाके की सर्दी में रितु बानावत ने एक पूरी रात किसानों के साथ उनके खेतों में बिताई। खेतों में इस दौरान उन्होंने पानी दिया, किसानों से बात की और उनकी पीड़ाएं भी सुनी। रितु बानावत ने अब सीधा प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार पर एक बड़ा हमला बोल दिया है। रितु बानावत ने आरोप लगाया है कि किसानों को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर ये दावे बिल्कुल सिफर नजर आते हैं। इसके साथ ही रितु बानावत ने किसानों के साथ खेतों में जो पल बिताया वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही किसानों की मांगों को लेकर रितु बानावत ने क्या कहा ये भी आप सुनिए। खुद काम करके उनके दर्द को समझना चाहती हूँ, चाहे मैं किसान परिवार से ना हूँ लेकिन किसानों का दर्द समझती हूँ और किसानों के दर्द को खत्म करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। मैं समस्त जनता के सामने ये लाना चाहती हूँ कि जो किसान हमारा पेट भरता है उसको न्याय दिलाना, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो किसानों से को सम्मान से जीना सिखाने की बात करते हैं, सम्मान से रखना चाहते हैं, उनसे भी आग्रह करूंगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगी कि किसानों को रात में बिजली ना मिले सिंचाई के लिए, दिन में बिजली मिले उसके लिए पर्याप्त साधन, पर्याप्त सुविधाएं, संसाधन प्रोवाइड किए जाएं और किसानों को इस दर्द से मुक्त किया जाए। मेरी सभी से ये अपील है कि किसानों को ये दर्द ना झेलना पड़े। किसान हमारा अन्नदाता है, वो बेबस हो, लाचार हो, ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है। और मैं ये कहूंगी कि मैं तो पूरे प्रयास करूंगी कि किसानों को ये दर्द इस विधानसभा में अगले सीजन में बिल्कुल नहीं झेलना पड़े। आपने सुना कि रितु बानावत का ये कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों को दिन में बिजली दे। इस कड़ाके की सर्दी में रात को बिजली के चलते वे अपने खेतों की सिंचाई करते हैं और कड़ाके की सर्दी के चलते वे कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह किसानों की ओर देखे, किसानों की सुध ले, क्योंकि उनकी फसलें जो रात को पानी दिया जाता है इस दौरान ना सिर्फ फसलों को नुकसान हो रहा है, इसके साथ ही किसानों का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। ऐसे में रितु बानावत ने अब किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए राज्य की भजनलाल सरकार, इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दी है कि किसानों की सुध नहीं ली तो ये किसान आने वाले समय में सरकार का तख्ता पलट करने से पीछे नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।